तिरुपति के बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के विवाद के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ललिता देवी के मंदिर में बाहरी प्रसाद के चढ़ावे पर रोक लगा दी गई है। मां ललिता देवी मंदिर में बाकायदा पोस्टर चस्पा करके यहां पहुंचने वाले भक्तों से आग्रह किया गया है कि नवरात्र में वो सिर्फ मेवा फल फूल ही प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं, बाहरी दुकान से खरीदे हुए प्रसाद को बिल्कुल न चढ़ाया जाए। मंदिर के पिलर और मुख्य द्वार पर लगाए गए इस पोस्टर में बाहरी प्रसाद को न चढ़ाने का आग्रह यहां आने वाले भक्तों से किया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि शुद्धता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मंदिर आने वाले भक्तों से बाहरी प्रसाद न चढ़ाने का आग्रह किया गया है और ये फैसला मंदिर प्रबंधन ने सोच समझ कर किया है। मंदिर प्रबंधन के फैसले का असर भी दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पहुँचने वाले भक्त मेवा फल और फूल ही चढ़ाने के लिए ला रहे हैं। दरअसल माँ ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ के तौर पर विख्यात है और कुछ दिन के बाद शुरू होने वाली नवरात्रि में यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ता है। ऐसे में भक्तों की आस्था को ठेस न पहुँचे इसका ख्याल मंदिर प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद की मिलावट के बाद माँ ललिता देवी मंदिर में बाहरी प्रसाद लाने पर रोक लगा दी गई है। भैया ये जो अभी मिलावटी प्रसाद का तिरुपति बालाजी में घटना हुई है, उसी घटना को देखते हुए हम लोग भी सभी लोगों को भक्तों को जागरूक कर रहे हैं कि प्रसाद या तो अपने घर से बना के लाइए या सूखा मेवा फल और इलायची दाना नारियल यही प्रसाद चढ़ाइए, मिलावटी प्रसाद दुकान का प्रयास करिए कि कम से कम। यूपी न्यूज 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।